Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए students, हम आपको adjective के rules पढ़ा रहे थे. Okay? हमने आपको कुछ rules पढ़ा दिए थे और उसके आगे के rules हम आज continue करेंगे. तो video को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो rules होते हैं काफी important होते हैं. तो आइए start करते हैं. देखिए rules of adjective. Clear? अभी देखिए आपको एडजेक्टिव तो समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. ओके तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू. ठीक है, जो हमारा एक फ्यू वर्ड होता है वो तीन तरह से यूज होता है. कहीं पर हम उसको केवल फ्यू यूज करते हैं, कहीं पर ए फ्यू और कहीं पे द फ्यू. तो आज हम आपको बताएंगे कि हम इन तीनों का यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है. देखिए फ्यू का यूज वहां होता है जहां संख्या में बहुत कम होते हैं, लगभग ना के बराबर. ठीक है, यानी कि फ्यू का यूज हम कहां पे करते हैं? फ्यू का यूज हम वहां करते हैं जहां पे संख्या में थोड़े से होते हैं, लगभग ना के बराबर. देखिए जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक क्लास है. ओके, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं. क्लियर? अब देखिए 100 स्टूडेंट्स में अगर 50 बच्चे पास होंगे और 50 बच्चे फेल होंगे तो हमारी क्लास एक बैलेंस रहेगी. ठीक है, अगर 50 बच्चे पास हो गए और 50 फेल हो गए तो हमारी क्लास एक बैलेंस है. उसमें से अगर 60 बच्चे पास हो गए 40 फेल हो गए, या 60 फेल हो गए और 40 पास हो गए, तो भी हमारी क्लास थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि वहां 60-40 का अंतर आ गया. लेकिन यदि हम कहेंगे कि हमारी क्लास में से केवल 10 से 15 बच्चे ही पास हुए हैं, समझ रहे हैं, यानी कि हम अगर कहते हैं कि हमारी क्लास में हमारे 100 बच्चों की जो क्लास है उसमें केवल 10 से 15 बच्चे ही पास हुए हैं और 85-90 स्टूडेंट फेल हो गए, तो वहां पे क्या हो गए? वहां तो वो स्टूडेंट्स का कोई काम ही नहीं है, वो तो ना के बराबर पास हुए हैं हमारे क्लास में. भाई 100 बच्चों में से केवल 10-15 बच्चे पास हो रहे हैं तो हमारे क्लास में कुछ है उनका मतलब? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर. तो जब हम उन 10-15 बच्चों का यूज करेंगे तो हम उनके लिए फ्यू का यूज करेंगे. ठीक है, संख्या में बहुत कम, लगभग ना के बराबर. ठीक है, समझ गए? तो यहां होता है हमारा फ्यू का यूज, यानी कि संख्या में बहुत कम, लगभग ना के बराबर. जैसे कि एग्जांपल देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम. ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, बहुत कम बच्चे एग्जाम में पास हुए. ठीक है, आगे समझ में? तो यहाँ पे देखिए बहुत कम बच्चों की बात हो रही है तो हमने इसलिए यहाँ पे फ्यू का यूज किया है. ओके स्टूडेंट्स, आगे समझो फ्यू का यूज. अब नेक्स्ट देखिए ए फ्यू. ठीक है, ए फ्यू संख्या में कम, उम्मीद से कम. ठीक है, ए फ्यू का यूज हम वहां करते हैं जहां पे संख्या में कम होते हैं, मतलब हमारी उम्मीद से भी कम होते हैं. ठीक है, जैसे कि देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे कि एक शॉपकीपर है, अंकित, सोच लीजिए अंकित है उस शॉपकीपर है हमारा, उसका नाम क्या है? अंकित. ठीक है, वो रोज की 100 किताबें बेचता है. ठीक है, कितनी बुक्स बेचता है वो डेली की? 100. अगर किसी दिन उसकी 95 बुक सेल हो तो उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस कर लेगा. अगर उसकी 90 बुक्स तक भी अगर एक दिन में सेल होती है तो भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, उतना उसने सोच रखा होता है कि आज मेरी 100 बिक रही है तो कल को मेरी 105 भी बिक सकती है, 90 भी बिक सकती है. तो ये जो 10-5 का जो अंतर आता है इसको वो बैलेंस कर लेता है. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जो उसकी किताबें थी वो 100 की जगह 90 भी नहीं, एकदम उसकी 50-60 पे चली गई. ठीक है, उसकी जो रैंकिंग थी वो 50-60 पे चली गई, उसकी एक दिन में केवल 50-60 किताबें ही सेल हो पाई. समझ रहे हैं, यानी कि डेली उसकी 100 किताबें सेल होती थी और आज केवल उसकी 50-60 किताबें ही सेल हुई. तो वहां पे उसे एक बहुत झटका लगा. ठीक है, क्या लगा उसे? बहुत झटका लगा, क्योंकि इतना तो उसने सोचा ही नहीं था. अरे 100 किताबें उसकी सेल हो रही हैं, उसकी 90 तक कम हो जाएंगी, यानी कि 10 किताबें और कम हो जाएंगी, 90 तक पहुंच जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 85 तक पहुंच जाएंगी, 80 तक पहुंच जाएंगी, लेकिन 50-60 ही बिक पाए, ये तो भाई झटके वाली बात है ना. तो यहाँ तो उसने इतनी उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरी केवल 50-60 किताबें ही सेल होंगी.
तो देखिए स्टूडेंट, जहां पे हमारी उम्मीद भी नहीं होती कि इतना कम हो जाएगा, तो वहां पर हम इफ यू का यूज करते हैं। समझ गए? देखिए एग्जांपल, अंकित हैज सोल्ड ए फ्यू बुक्स टुडे। अंकित ने आज कम किताबें बेची हैं। ठीक है, समझ गए आप कि हम इफ यू का यूज कहाँ करते हैं? तो उसकी जो है आज कम किताबें सेल हुई है, इसलिए उसने यहाँ पे हमने इफ यू का यूज किया है। समझ गए? क्लियर हो गया इफ यू का यूज भी। अब नेक्स्ट देखिए, द फ्यू, थोड़े से लेकिन सभी। ठीक है, द फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं? थोड़े से लेकिन सभी। देखिए, थोड़े से लेकिन सभी, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये थोड़े से लेकिन सभी का मतलब क्या है। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है सोनू। ठीक है, एक लड़का है सोनू, वो उसके पास 10 पेन थे। ओके, कितने थे उसके पास? 10 पेन थे। वो उन 10 पेन को सेल करने के लिए गया। जब उसने सेल करने शुरू करे तो उसके सेल होते होते 7 पेन सेल हो गए। ठीक है, उसके पास 7 पेन सेल हो गए। अब ज्यादा क्वांटिटी में पेन तो उसके सेल हो गए। अब उसके पास बचे जो उनकी क्वांटिटी कम थी। ठीक है, कितने थे वो? केवल 3 पेन थे। 10 में से उसने 7 पेन यानी कि ज्यादा पेन तो उसने बेच दिए, कम पेन यानी कि 3 पेन ही उसके पास बचे। लेकिन वो जो थोड़े से 3 पेन थे वो उसके पास उस टाइम टोटल 3 थे, सभी थे। ठीक है, थे तो वो थोड़े से लेकिन सभी थे, उनके अलावा और कोई पेन नहीं था उसके पास। ठीक है, तो और वो भी जो उसके पास 3 पेन बचे हुए थे वो खो गए। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसके पास जो वो थोड़े से पेन बचे हुए थे वो सभी खो गए। समझ रहे हैं? यानी कि थोड़े से लेकिन सभी। तो वहां पर जो हम उन थोड़े से लेकिन सभी के लिए यूज करेंगे, हम द फ्यू का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए द फ्यू का यूज करते हैं? थोड़े से लेकिन सभी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोनू लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट ही हैड। ठीक है, सोनू के पास जो बचे हुए थोड़े से पेन थे वे सभी खो गए। क्लियर? तो वहां पे जो हमने थोड़े से लेकिन सभी के लिए जो यूज किया है, द फ्यू का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें एक चीज आप और ध्यान दीजिए कि जो ये हमारे फ्यू हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सभी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे एडजेक्टिव होते हैं? काउंटेबल एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं ना। हमने आपको जितने भी एग्जांपल्स बताए ये सब हमारे काउंटेबल हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ क्या नाम है पेन बचे थे वो भी हम काउंट कर सकते थे, बुक्स और जितने स्टूडेंट्स हमारे पास जो है उन्हें हम काउंट कर सकते थे। इसलिए जो हमने फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज किया, ये काउंटेबल होते हैं। ठीक है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू क्या होते हैं? हमारे काउंटेबल होते हैं। इनका यूज हम हमेशा ही नाउन से पहले करते हैं। देखिए हमारे एग्जाम में हमें किस तरह से गलती मिल सकती है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज ना हमें पूरे सेंटेंस में कहीं भी दे सकते हैं हमारे एग्जाम में, यानी का इनको कहीं भी पुट करके दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस में कहीं भी पुट नहीं होते हैं, ये केवल नाउन से पहले यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट से पहले यूज किया है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है? हमारा नाउन है। यहाँ पे भी देखिए हमने ए फ्यू बुक से पहले यूज किया है, क्योंकि हमारा बुक नाउन है। यहाँ पे भी देखिए हमने द फ्यू पेन से पहले यूज किया है, क्योंकि पेन भी हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, आगे समझ में? ये हमारे एडजेक्टिव ही होते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। और कैसे एडजेक्टिव होते हैं? काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? अब आप इन्हें नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हमने आपको बताया था फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज, उसी तरह से है ये लिटिल का यूज। ठीक है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये जो होते हैं ये हमारे अनकाउंटेबल एडजेक्टिव होते हैं। समझ रहे हैं? क्या होते हैं? जो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू होते थे, द फ्यू थे, वो हमारे काउंटेबल एडजेक्टिव थे। काउंटेबल एडजेक्टिव यानी कि हम उनका यूज उन नाउन से पहले करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है,
ये हमारे अनकाउंटेबल एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि इनका यूज हम उन नाउन से पहले करते हैं जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। देखिए जैसे कि हम आपको बताते हैं, देखिए लिटिल का यूज मात्रा में बहुत कम लगभग ना के बराबर, ठीक है। लिटिल का यूज हम वहां करते हैं जहां पे मात्रा में बहुत कम होता है लगभग ना के बराबर। देखिए जैसे कि एग्जांपल, दे हैड लिटिल फ्यूल लेफ्ट इन द कार, ठीक है, उनके पास कार में बहुत कम पेट्रोल बचा था, ठीक है। जैसे कि देखिए हम आपको समझाते हैं, उनके पास एक कार है, ठीक है, कार में उन्होंने 30-35 लीटर पेट्रोल फिल कराया, ठीक है, कितना पेट्रोल भरवाया उन्होंने 30-35 लीटर, लेकिन कार को चलाते चलाते उनके पास केवल 2-3 लीटर पेट्रोल बचा है, ठीक है, कितना बचा है केवल 2-3 लीटर। तो वो जो 2-3 लीटर पेट्रोल है वो 30-35 लीटर की अपेक्षा तो बहुत कम है ना, है ना। कहां तो उन्होंने 30-35 लीटर पेट्रोल फुल कराया था और चलाते चलाते बचा कितना है 2-3 लीटर, तो वो तो बहुत कम हो गया ना, तो यहाँ पे वो ना के बराबर हो गया, उसका तो कोई महत्व ही नहीं बचा, बहुत कम हो गया ना के बराबर। तो हम उस जो 2-3 लीटर पेट्रोल के लिए यूज करेंगे हम लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है, मात्रा में बहुत कम लगभग ना के बराबर। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए ए लिटिल का यूज, ए लिटिल का यूज हम वहां करते हैं जहां पे मात्रा में कम होता है यानी कि उम्मीद से भी कम, ठीक है, मात्रा में कम यानी कि उम्मीद से कम। जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, माय मदर हैड गिवन मी अ लिटिल मनी, मेरी माता जी ने मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं, ठीक है, मेरी माता जी ने मुझे कम पैसे दिए हैं। जैसे कि देखिए आपने अपनी मम्मी से 2000 रुपए मांगे, ठीक है, कितने पैसे मांगे आपने मम्मी से 2000, आपने ये सोच के मांगे कि मैं मम्मी से 2000 रुपए मांग रही हूँ तो मुझे मम्मी 1800 रुपए दे देंगी, ठीक है, 1800 नहीं तो 1700 दे देंगी, अरे 1700 भी नहीं तो 1500 दे ही देंगी, ठीक है। आपने 2000 की डिमांड करी ये सोचकर कि कम करते 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 मम्मी हमें 1500 रुपए तो दे ही देंगी, लेकिन आपकी मम्मी दे रही है आपको केवल 500 रुपए, 2000 रुपए मांगने के बाद में आपकी मम्मी आपको केवल 500 रुपए दे रही है, तो इतनी तो आपने उम्मीद भी नहीं करी थी कि मम्मी आपको इतने कम पैसे देंगी। भाई आपने 2000 मांगे, आपने इतना सोच के रखा था कि 1800 दे देंगी, 1800 नहीं तो 1700 दे देंगी, और नहीं भी दे तो करते करते मम्मी 1500 तो दे ही देंगी, और आपकी मम्मी तो आपको 1500 की जगह दे रही है 500 रुपए, तो इतनी तो उम्मीद भी नहीं करी थी ना कि मम्मी इतने कम दे देंगी। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे ए लिटिल का यूज करेंगे, यानी कि मात्रा में कम उम्मीद से भी कम, क्लियर। तो क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें बहुत कम पैसे दिए तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लिटिल का यूज किया है, क्लियर। आगे समझ में। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स ए लिटिल का यूज। नेक्स्ट देखिए द लिटिल, ठीक है, देखिए द लिटिल का यूज हम कहाँ करते हैं, द लिटिल का यूज हम करते हैं मात्रा में थोड़ा सा लेकिन सब, ठीक है, मात्रा में थोड़ा सा लेकिन सब। जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द टैंक फिनिश्ड, ठीक है, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द टैंक फिनिश्ड, टैंक में जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था वह भी खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारे छत पे जो टैंक रखे होते हैं बड़े बड़े, वो कितने लीटर के होते हैं, कोई 500 लीटर के रखवाता है, कोई 1000 लीटर के रखवाता है। अभी हम कहते हैं कि हमारे पास एक 1000 लीटर का टैंक है, ठीक है, उस 1000 लीटर के टैंक में हमारे पास केवल 250 या 300 लीटर पानी है, ठीक है, कितना है 250 या 300 लीटर। तो देखिए उस 1000 लीटर की अपेक्षा 250-300 लीटर पानी तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है ना। 1000 लीटर के टैंक में 250-300 लीटर पानी बहुत कम है, लेकिन वो जो 250-300 लीटर पानी वो हमारे लिए तो सभी है, हमारे लिए तो वही ज्यादा है, वही पूरा है। तो थोड़ा सा लेकिन सब, ठीक है, 1000 लीटर की अपेक्षा 250 लीटर पानी, लेकिन हमारे लिए तो वह सब है, हमें तो केवल उसी पानी को यूज करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए जो यूज करेंगे हम द लिटिल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे द लिटिल का, यानी कि
थोड़ा सा लेकिन सब। क्लियर, आगे समझ में? तो स्टूडेंट्स ये है हमारे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज, समझ गए? अभी इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यू और लिटिल में अंतर क्या होता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फ्यू के जो यूजेस होते हैं वो हम वहां करते हैं जहां नाउन को काउंट कर सकते हैं, और लिटिल के यूज हम वहां करते हैं जहां हम नाउन को काउंट नहीं कर सकते। क्लियर, तो ये हो गया हमारा लिटिल का यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट यूज ऑफ सम, कोई कुछ और थोड़ा, यानी कि यदि आपको किसी वाक्य में कोई कुछ और थोड़ा का सेंस आता है तो आपको सम का यूज करना है। ठीक है, अब सम का यूज जो होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। किसमें होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ध्यान रखना कि यदि आपको किसी पॉजिटिव सेंटेंस में कोई कुछ और थोड़ा का सेंस आता है तो आपको कोई कुछ और थोड़ा के लिए सम का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि सम मनी, सम वाटर, सम स्टूडेंट्स, ईटीसी। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास कुछ सेब हैं। तो स्टूडेंट हमारा ये एप्पल क्या है? ये हमारा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इस एप्पल से पहले हमारा सम का यूज हो रहा है, तो ये हमारा सम क्या हो गया? एडजेक्टिव। एप्पल हमारा नाउन हो गया और ये सम हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये सम क्या कर रहा है कि हमारे सेब की, हमारे एप्पल्स की विशेषता बता रहा है कि हमारे पास कुछ सेब हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मनी क्या है स्टूडेंट्स हमारा? ये अनकाउंटेबल नाउन है ना? तो मनी हमारा नाउन है, कैसा? अनकाउंटेबल, और सम क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, जो कि हमारी मनी की विशेषता बता रहा है। तो ये सम क्या है? हम हमारे एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? ये सम एडजेक्टिव है, और इसका यूज हम पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ एनी, एनी का अर्थ भी कोई कुछ और थोड़ा होता है। यदि आपको किसी वाक्य में कोई कुछ और थोड़ा का सेंस आता है तो आपको एनी का यूज करना है। अब कहां पे करना है? जो सेंटेंसेस हमारे निगेटिव हों। ठीक है, यानी कि निगेटिव वाले वाक्यों में यदि आपको कोई कुछ और थोड़ा का सेंस आता है तो आपको वहां पे एनी का यूज करना है। क्लियर, किसका यूज करना है? एनी का। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, शी डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके पहले ये एनी का यूज हो रहा है, तो एनी क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। तो बुक क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले ये एनी आ रहा है, तो एनी क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज स्कार्सली एनी वाटर इन द ग्रास। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो नॉट आया ही नहीं है, तो इसमें एनी कहां से आ गया? तो स्टूडेंट्स, हमने जब आपको टेंस पढ़ाए थे तो हमने आपको एक चीज बताई थी, आपको ध्यान हो तो हम दोबारा बता देते हैं कि देखिए, स्कार्सली, हार्डली, वेदर, इफ, नेवर, यदि किसी वाक्य में आ जाए तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव, यानी हार्डली, स्कार्सली, वेदर, इफ, नेवर, ये जो वर्ड होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं, और जिस वाक्य में ये आ जाते हैं वो वाक्य भी हमारा निगेटिव हो जाता है। इसलिए इस सेंटेंस में हमारा स्कार्सली आया है, अर्थात ये हमारा जो सेंटेंस है निगेटिव हो गया, और इसमें हम ये जो वाटर हमारा नाउन है इसके साथ में हमने ये एनी का यूज किया है। ठीक है, देयर इज स्कार्सली एनी वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सम और एनी का यूज हम कहां करते हैं? यदि पॉजिटिव वाले सेंटेंस में कोई कुछ और थोड़ा का आपको सेंस समझ में आता है तो आपको वहां पे सम का यूज करना है। नेगेटिव वाले में कोई कुछ और थोड़ा का सेंस समझ में आता है तो आपको वहां पे एनी का यूज करना है। अब हमारे एग्जाम में पता है एग्जामिनर हमें गलती किस तरह से देंगे, तो देखिए, हमें एग्जामिनर हमारे नेगेटिव वाले सेंटेंस में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नॉट होगा, या स्कार्सली होगा, या हार्डली होगा, या वेदर, या इफ, या नेवर होगा, तो उसके साथ में हमें जो हमारे एग्जामिनर है सम दे देंगे। ठीक है, कि जैसे कि देखिए, देयर इज स्कार्सली सम वाटर इन द ग्लास, तो आपको ध्यान रखना है कि अरे यहाँ तो स्कार्सली आया, यानी कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो यहाँ पे तो सम का यूज नहीं, एनी का यूज होगा। क्लियर, ऐसे ही हमारे पॉजिटिव वाले सेंटेंस में दे देंगे,
कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा उसमें ये एप्पल है या मनी है या कोई और भी नाउन होगा उससे पहले हमें एनी दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और उसमें सम का यूज होना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यूज ऑफ ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ए लॉट ऑफ यूज करें आप या लॉट्स ऑफ यूज करें, बात एक ही है, क्लियर। इनका अर्थ होता है बहुत ज्यादा या बहुत सारे। यदि किसी वाक्य में आपको बहुत ज्यादा या बहुत सारे का सेंस समझ में आता है तो आपको ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जांपल, शी हैड ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा मनी नाउन है और उसके पहले ये ए लॉट ऑफ का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल प्रेजेंट देयर, वहां बहुत सारे लोग उपस्थित थे। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पीपल है ये हमारा नाउन है और उसके पहले लॉट्स ऑफ का यूज किया गया है, तो ये लॉट्स ऑफ क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे समझ में ये तीनों का यूज, तो देखिए सम, एनी और ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ जो होते हैं ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं और इनका यूज हम नाउन से पहले करते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यूज ऑफ मच, मच का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए मात्रा में ज्यादा या अधिक, ठीक है। यदि कहीं पे आपको मात्रा में ज्यादा या अधिक का सेंस आता है तो वहां पे आप मच का यूज करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज किया जाता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि वाटर, मिल्क, मनी, टाइम, एयर, इटीसी, ठीक है। क्योंकि जो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके मात्रा को शो करने के लिए हम मच का यूज करते हैं, समझ गए। जैसे कि देखिए, आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ यू, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। तो ज्यादा समय के लिए क्या आ रहा है, मच, ठीक है। टाइम है, ये टाइम क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए मच का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज मच वॉटर इन द पॉट, बर्तन में ज्यादा पानी है, ठीक है, बर्तन में ज्यादा पानी है। तो देखिए कहाँ पे, बर्तन में जो पानी है वो ज्यादा है, तो ये हमारा जो वॉटर है ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। आप पानी को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, पानी को तो हम पकड़ ही नहीं सकते, तो उसको काउंट कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए इसके पहले मच का यूज किया गया है, ठीक है। यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज किया जाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो यहाँ पे बताया कि बर्तन में अधिक पानी है, मैम ने इसमें कहीं देयर का मतलब तो बताया नहीं। तो हाँ स्टूडेंट, देखिए देयर क्या होता है, देखिए जहां पर कोई चीज प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं, क्लियर। कहीं पे अगर कोई चीज प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ मैनी, संख्या में कई सारे, ज्यादा या अधिक, ठीक है। किसमें, संख्या में, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन जो होते हैं, काउंटेबल नाउन जैसे कि बॉय, बुक, गर्ल, प्यूपल, विंडो, ईटीसी, ये सब क्या है हमारे, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अर्थात हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो यदि कहीं काउंटेबल नाउन के लिए हमें ज्यादा, अधिक या कई सारे का यूज करना हो तो हम काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ध्यान रखना है ये कि काउंटेबल नाउन के लिए यदि हमें कई सारे, ज्यादा या अधिक का यूज करना होगा तो हम काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज करेंगे, और यदि अनकाउंटेबल नाउन के लिए ज्यादा या अधिक का यूज करना हुआ तो हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज करते हैं, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, शी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं है। तो जो ये नाउन है हमारा, फ्रेंड्स क्या है हमारा, नाउन है, तो हम उसके फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम उसके फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस
countable noun से पहले बहुत सारे के लिए many का use किया है. Clear? Next देखिए, there are many books on the table. टेबल पर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हमारा बुक्स क्या है, ये हमारा countable noun है क्योंकि हम बुक को काउंट कर सकते हैं, ठीक है. बुक हम हाथ में ले सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं. तो बुक क्या है, हमारे countable noun है. और यहाँ पे हमें बुक्स बताना है, बहुत सारी बुक्स की बात करनी है, तो हम इसके लिए many का यूज करेंगे, ठीक है. क्योंकि बुक क्या है, हमारी countable noun है, और countable noun के लिए हम जब हम उन्हें बहुत सारे के लिए बताएंगे countable noun को, तो हम many का यूज करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जामिनर इसमें हमें इस तरह से गलती देते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको वो many दे देंगे, और किसी भी countable noun से पहले वो आपको much दे देंगे. तो आपको याद रखना है कि much का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, और many का यूज countable noun से पहले होता है. क्लियर? यानी ये much और many क्या है, हमारे एडजेक्टिव है. क्या है ये? एडजेक्टिव है, क्योंकि इनका यूज नाउन से पहले हो रहा है, तो ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव है. क्लियर हो गया आपको ये much और many का यूज. अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर देन. देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी भी वाक्य में आपको देन दिया गया हो, और देन के बाद में आपको वो एनीबॉडी दे, समबॉडी दे, एवरीबॉडी हो, या कोई नो या नोबॉडी हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में देन के बाद में एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी या नोबॉडी दिया गया हो, तो उसके बाद में हम एल्स का यूज जरूर ही करते हैं, ठीक है. यदि किसी वाक्य में आपको देन के बाद में एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी या नोबॉडी दिया गया है, तो उसके बाद में हम एल्स का यूज अवश्य ही करते हैं. इसमें हमारे एग्जामिनर गलती इस तरह से दे देते हैं कि देन दे देते हैं, देन के बाद में इनमें से कोई भी शब्द दे दिया, और उसके बाद में एल्स नहीं देते हैं, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी या नोबॉडी दिया है, और उसके पहले अगर देन आ रहा है, तो इन शब्दों के बाद में एल्स अवश्य ही आएगा. जैसे कि ही इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स इन द क्लास, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये एनीबॉडी आ रहा है, और इस एनीबॉडी से पहले ये हमें देन दिया गया है. क्या दिया गया है? देन. तो इस एनीबॉडी के बाद में हमें एल्स अवश्य ही यूज करना है, ठीक है. आगे समझ में आपको ये क्लियर हो गया, तो अब आप इसे नोट कीजिए. काफी ओके स्टूडेंट, हो गया. तो देखिए आज के लिए बस इतना ही. आई होप हमने आपको आज जितने भी रूल्स समझाए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे. अभी इसके बाद के जो थोड़े से रूल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ये. इसमें हमने आपको बताया है कि कहाँ पे हमें किस तरह से हमारे एग्जामिनर गलती दे सकते हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखते हुए इन रूल्स को पढ़िए, आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे. तो आज के लिए केवल इतना ही. तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.